हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल. सो डियर फ्रेंड्स, टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट डेली यूज सेंटेंसेस. सो फ्रेंड्स, हमारी जो ये वीडियो बनने जा रही है डेली यूज सेंटेंसेस पे, और जो इसका पार्ट है, पार्ट 40वां है, 40 पार्ट्स है. सो फ्रेंड्स, आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज टेक ए कॉपी एंड पेन एंड प्लीज नोट इट डाउन. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए वो डेली यूज सेंटेंसेस पढ़ाने जा रहा हूँ जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं और बहुत ज्यादा यूटिलाइज करते हैं और बहुत फायदा भी मिलता है, राइट? सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास. सो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला सेंटेंस है वो इस प्रकार है फ्रेंड्स, वो उसके लिए ठीक रहेगी. वो उसके लिए ठीक रहेगी मीन्स सी विल बी परफेक्ट फॉर हिम. सी विल बी परफेक्ट फॉर हिम. आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, कोई भी गलती कर सकता है. मीन्स किसी से भी गलती हो सकती है, कोई भी गलती कर सकता है. एनी वन कैन मेक ए मिस्टेक. एनी वन कैन ए मेक मिस्टेक. एनी वन कैन मेक ए मिस्टेक. आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट सेंटेंस, इसे हल्के में मत लेना. बोलते ना यार, आप बहुत हल्के में लेते हैं, इसे हल्के में मैं मत लेना. इसे हल्के में मत लेना. डोंट टेक इट टू लाइटली. डोंट टेक इट टू लाइटली. आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा, इसे अपने पास रख लो. इसे अपने पास रख लो. तो कीप इट विद यू. कीप इट विद यू. कीप इट विद यू. आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा, मुझे क्या करना चाहिए. मुझे क्या करना चाहिए. तो व्हाट शुड आई डू. व्हाट शुड आई डू. मुझे क्या करना चाहिए. आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है. मीन्स ये तुम्हारी जिम्मेदारी है. तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है या ये तुम्हारी ड्यूटी है या ये तुम्हारा कर्तव्य है. तो इट्स योर ड्यूटी. इट्स योर ड्यूटी. आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारा, उम्र मायने नहीं रखती. मीन्स एज मायने नहीं रखती. तो एज डजंट मैटर. एज डजंट मैटर. आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वर्ड इज ऑल्सो हियर. नेक्स्ट, विश्वास करना बहुत मुश्किल है. विश्वास करना बहुत मुश्किल है. इट्स हार्ड टू बिलीव. इट्स हार्ड टू बिलीव. राइट, इट्स हार्ड टू बिलीव. आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वर्ड मीन्स नेक्स्ट सेंटेंस इस प्रकार है फ्रेंड्स हमारा, मुझे इस मामले में मत घसीटो. कि मुझे इस मामले में मत घसीटो. डोंट ड्रैग मी इन टू दिस मैटर. डोंट ड्रैग मी इन टू दिस मैटर. ड्रैग का मतलब होता है घसीना. डोंट ड्रैग मी इन टू दिस मैटर. मुझे इस मामले में मत घसीटो. आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑल्सो हियर. यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. इट्स ए बिग डील फॉर मी. इट्स ए बिग डील फॉर me. I hope you understand. Next words है friends हमारा, next sentence है, फिर कभी ऐसा नहीं होगा. फिर कभी ऐसा नहीं होगा. फिर कभी ऐसा नहीं होगा. It will not happen again. It will not happen again. I hope you understand. So friends, ये video इतनी impressive है आप लोगों के लिए daily use sentences में है, जो हमारी daily life में हम use करते हैं, practically use करते हैं, बोलचाल वाली भाषा में use करते हैं, और ये हमारा 40वां पार्ट है डेली यूज सेंटेंसेस का. सो फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा. अपने 10 और 15 फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिएगा. इसका बेनिफिट उठाइए, फायदा उठाइएगा. सो फ्रेंड्स, जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पर नया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. उसी के बगल में बेल आइकन, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, बिकॉज जो आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी. सो फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना ना भूलिएगा. सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन, नाइस मीटिंग टू यू. थैंक यू वेरी मच. कीप प्रैक्टिसिंग. जय हिंद, जय भारत.